देखो भाई लोग, रजनीकांत की फिल्म जेलर, अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 और सनी पाजी की फिल्म गदर 2 के अलावा भी एक साउथ की फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है भोला शंकर। हालांकि ये मूवी अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही थिएटर्स में रिलीज हुई है, लेकिन फिर भी मैंने इस फिल्म को इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये मूवी कैसी है। तो फिल्म की कहानी भाई बहन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें हमारा हीरो अपनी बहन को पढ़ाने के लिए कोलकाता लाता है, लेकिन उसी शहर में कुछ ऐसे गुंडे हैं जो लड़कियों को बेचते हैं, उनकी दूसरे देशों में तस्करी करते हैं। लेकिन इसी बीच हमारे हीरो की बहन इन गुंडों के जाल में फंस जाती है और किस प्रकार हमारे हीरो अपनी बहन को बचाता है, यही इस फिल्म की कहानी है। तो देखो भाई लोग, ये फिल्म अजीत कुमार की वेदलाम फिल्म की रीमेक है, लेकिन फिर भी इस फिल्म का सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्टिंग काफी ढीला है और कहानी कहीं कहीं पर अपना असर छोड़ देती है। और इसे रियल लोकेशन पर शूट करने के बावजूद भी ये फिल्म पब्लिक को कुछ खास पसंद नहीं आई, यानी शुरू से लेकर अंत तक ये मूवी हमको डिसअपॉइंट ही करेगी। वो तो भला हो भगवान का जो इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में रिलीज नहीं किया, वरना हिंदी वाले इसे नोच नोच के वाट लगाते। इस मूवी में चिरंजीवी के अलावा सभी ने ओवर एक्टिंग कर डाली, ओ सॉरी जानबूझ के बोल डाला। बाकी मेरी तरफ से इस फिल्म को 2 स्टार।